हेलो नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार कश्यप। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डिस्कवरी ऑफ लाइफ न्यूज। आज का जो वीडियो है वो भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है। भगवान दत्तात्रेय को स्मृति गामी देवता भी कहा जाता है, मतलब याद किए और वहाँ पहुँचाना। तो पौराणिक संदर्भों में भगवान दत्तात्रेय के नाम अनेक बार आता है। उन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भी माना जाता है, किंतु वास्तव वस्तुता उन्हें देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के तेज के अंश उनमें विद्यमान है। वे विष्णु भगवान के अवतार होकर भी राजसिक वैभव के देवता के साथ साथ शिव जी के समान अद्भुत दिगंबर और योगी और समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। पुराणों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय के पिता का नाम महर्षि अत्रि व माता का नाम महासती अनुसुईया है। उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के शक्तियाँ केंद्रित हैं। इस दिव्य प्रभाव के कारण दत्त स्वामी अति सामर्थ्यवान और भक्त रक्षक भक्त वत्सल देवता है। दत्त भगवान आडंबर वैभव राजसिकता के सर्वथा परे हैं। परम त्यागी हैं, सदा संतुष्ट रहने वाले हैं। वे कभी एक स्थान पर स्थिर या निष्क्रिय होकर विश्राम नहीं करते हैं। अवधूत रूप में निरंतर अखिल ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। दूर अनुभूति शक्ति के माध्यम से वे भक्त की पुकार पर तत्क्षण उसके पास पहुंच जाते हैं, इसलिए उन्हें स्मृति गामी देवता भी कहते हैं। ये वे योग विद्या के महान ज्ञाता अलौकिक शक्तियों के स्वामी और साक्षात शिव हैं। इस तथ्य के सैकड़ों प्रमाण उपलब्ध हैं कि आस्थावान भक्तों को आज भी भगवान दत्त गुरु के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे बड़े दयालु उदार और क्षमाशील आशुतोष देवता हैं। तो वो भगवान दत्तात्रेय के अगर बीज मंत्र माना जाए तो वो है द्राम, और इन बीज मंत्रों को जोड़कर बहुत सारे मंत्रों का निर्माण किया गया, जैसे ओम द्राम दत्तात्रेय नमः या फिर द्राम दत्तात्रेय नमः। इस प्रकार से ये प्रमुख मंत्र हैं। बीज मंत्र या फिर कृपा मंत्र किसी को भी आप जप करें और इसमें परम कल्याणी हैं। और इनके जो प्रमुख जो कह सकते हैं प्रिय हैं, तो कृपा पात्र प्रमुख हैं गाय और कुत्ता। भगवान दत्तात्रेय को बहुत ही प्रिय है, ठीक है। भगवान दत्तात्रेय के सिद्ध मंत्र पूजा सामग्री अभाव में भी प्रभावशील हैं। बस उच्चारण सही हो, हृदय अभाव में मलिनता नहीं आनी चाहिए। जीवन के कठोर संघर्ष में मनन जाप करने से कल्याणकारी लाभ प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि युग परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु ये इनका जो भगवान दत्तात्रेय का जो ये बीज मंत्र है वो हमेशा चैतन्य रहता है। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।